फोर प्ले के पहले ओवर में विशाल गौरव जैसे बल्लेबाज डिंग डोंग में होने के बावजूद भी उन्होंने 5 रन वाला ओवर किया। संकेत वागोस्कर, तारीफ काबिल गेंदबाजी। प्रेस्टीज की लड़ाई है ग्राम पंचायत लीग, सभी फ्रेंचाइजी पैसों से अमीर है लेकिन ट्रॉफी से अमीर कौन होगा इस ट्रॉफी को जीतने के बाद। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहां पे होना जरूरी है जिसे पूरे खिलाड़ियों का नाम पता हो। दोनों तो जरूर हमारे लिए भी नाम आ चुका है गिरीश जी, दलवी साहब की तरफ से 500 अब आ चुके हैं, शाम तक वो 5000 भी हो सकते हैं। शाम तक तो मैच का शुरू होने का इशारा। विठल तेलंगे इनके लिए साई वक्त, रोशन वालगुड़े इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम। विराट का ये गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वागेश्वर फाइटर। स्ट्राइकर इन पर थे बल्लेबाज सूरज और नॉन स्ट्राइकर इन पर संकेत वागोस्कर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। दामा को 1200 रुपए का इनाम मिलेगा। गिरीश दलवी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा उनके शुरुआत हुई इनाम दामा को घोषित किया जाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आकाश खंडागड़े। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, मेरे ख्याल से बल्लेबाजों को तब मैं मानूंगा जब विठल तेलंगे के ऊपर वो 2 छक्के लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही तारीफ काबिल गेंदबाज है ये, सीनियर गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है इनके पास। वराट का ये बंदा जिनके तालीम में कई खिलाड़ी तैयार हुए हैं, वराट टीम जिसका सुधागढ़ में नक्शा भी नहीं था उसे नक्शे पर लाकर खड़ा किया है विठल तेलंगे की मेहनत की वजह से। दो हजार का इनाम है आकाश खंडागड़े को कुल मिला के, प्रभाकर खंडागड़े इनकी तरफ से इनाम दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी आकाश। और यह बहुत ही बढ़िया खेला बल्लेबाज संकेत वागोस्कर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर क्या कर सकता है, ये स्वरा 11 की तरफ से वो कर रहे हैं। इस बाउंड्री के बाद टीम का टोटल आ चुका है 5 रन। डीजे तो विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है प्रभाकर खंडागड़े इनकी तरफ से। इनामों के लिए पहचानी जाएगी जांबूरपाड़ा ग्राम पंचायत लीग, कई ग्राम पंचायत लीग मैंने देखी लेकिन ये लीग, और ये देखिए मैंने कहा मानना चाहूंगा मैं विठल तेलंगे के ऊपर आक्रमण करके दिखाया संकेत वाघोसकर ने, बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी टीम स्वरा के लिए। 11 रन पे आता हुआ टोटल, एक और अगर आता है ना विठल तेलंगे के ऊपर तो मजा आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, इनके खिलाफ अगर रन बनाएंगे तो बाकी गेंदबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम होगी गेंदबाजी के ट्रैक पर आने के लिए। संकेत वागोस्कर स्वरा के फ्रेंचाइजी काफी खुश होंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, यहां पे 2 रन पूरे हो सकते थे, ये क्या किया, रन जो मिलना चाहिए वो लेना चाहिए। 12 पे आता हुआ टोटल इस ओवर की, 5 गेंदे हो चुकी है। संकेत वागोस्कर देखिए ज्यादा सामने नहीं ला रहे विठल तेलंगे के खुद को, भले उन्होंने छक्का लगाया हो लेकिन उन्होंने, उनको पता है कि ये मेरा विकेट निकाल सकते हैं, आखिरी गेंद जाने दीजिए। सूरज पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, कवर्स में गोली की रफ्तार से
गेंद गई 4 रनों के लिए। विट्ठल तेलंगे सपने में भी नहीं उन्होंने सोचा होगा। वज्रेश्वर फाइटर का ये फ्रंट ऑफ द लीडर गेंदबाजी का, जिनके ओवर में आ चुके हैं 16। डीजे स्वराज खास महेश गिरी यांनी मथुरेवरून या ट्रॉफ्या मागवल्यात। खरंतर 4,500 वर्षापूर्वी श्रीकृष्णानं जर हा चेंडू फळीचा खेळ खेळला नसता तर कालियामर्दन झालं नसतं। पुराणामध्ये जर तुम्ही डोकावलत, कालियामर्दन एका चेंडू फळीमुळे झालं आणि तो खेळ सुरू केला। आपण म्हणतो इंग्रजांनी खेळ सुरू केलाय, पण 4,500 वर्षापूर्वीचा इतिहास या तरुणांना माहिती व्हावा यासाठी उपसरपंच महेश गिरी साहेब यांनी या ट्रॉफ्या खास मथुरावरून मागवल्यात। त्यांचा आपण मनापासून धन्यवाद करूया। त्यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या। भाई सरपंच साहब है हमारे, उप सरपंच साहब फ्लाइट से ही आएंगे। पण तरुण पिढीला इतिहास माहिती व्हावा यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता आणि तो यशस्वी ठरलाय। खरं तर और ये बेहतरीन छक्का बल्लेबाज उसकर स्वरा के लिए यह हुकुम का इक्का। सन्माननीय प्राणेजी खंडागळे साहेब यांचं स्वागत आपण या व्यासपीठावर करूया। मी विनंती करतोय रितेश काळभोर यांना की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा। इथे मात्र धाव मिळती है एक। तो मेरे साथी स्कोरल है विनोद अधिकारी, अजय अधिकारी के शायद रिश्तेदार होंगे थोड़े बहुत, कजिन है क्या? डीजे गुड्डू नजर नहीं आ रहा है आजकल। लेकिन स्वराज डीजे ने सबका भाव खा लिया। स्वराज डीजे और ये क्या हो रहा है, ये फील्डिंग कैसी हुई? वज्रेश्वर फाइटर क्या कर रहा है? फाइटर है आप, लड़ना चाहिए। आपके नाम में ही फाइटर लिखा है। जिंदगी एक संघर्ष है। आपने मेरी जंग शायद अनिल कपूर की फिल्म नहीं देखी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उस जंग को आपको अगर जीतना होगा तो फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना जरूरी। एक रन यहां पर मिलता हुआ और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन। आकाश खंडागळे आप अपनी इनामी राशि लेने के लिए आइए। आकाश, आकाश तो आज मालामाल हुए। पहले 2,000 मिले ना, जीएसटी कटेगी नहीं? नहीं कटेगी, नहीं 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 कटने वाली है। प्रणय खंडागळे इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि शरीयत ग्रुप सुधागढ़ पाली इनकी तरफ से कितना दिया? 500 रुपए। 500। और ये लंबा छे बल्लेबाज संकेत वागोस्कर, दिलीप वेंगसरकर, अजीत वाड़ेकर, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, इन करों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया और संकेत वागोस्कर भी कर रहे हैं अपनी टीम स्वरा के लिए। डीजे उनको और छक्के चाहिए, भले ही जेब से कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो। और यह सीधा खेला कवर्स में और यह लगातार दूसरा संकेत वागोस्कर। मैंने पहले ही कहा था विट्ठल तेलंगे के ऊपर अगर आक्रमण किया जाए तो बाकी गेंदबाजों की होगी सिट्टी पिट्टी गुम। साहिल वागोस्कर को मैं बुलाना चाहूंगा इनामी राशि लेने के लिए। साहिल जी वागोस्कर, केके ग्रुप
के खिलाड़ी साहिल, देखिए रोशन वालगुड़े ने विठल तिलंगे के ऊपर हैट्रिक का इनाम जरूर लगाया था। 24 रन आए इस ओवर में, 16 और 24 बनेंगे दो ओवर की समाप्ति के बाद 40। पानी सिर के ऊपर जा रहा है वाग्रेश्वर फाइटर के। हमारे अधिकारी साहब मुझे बता रहे हैं, अधिकारी का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट। चालीस मराठी मध्ये, 40 हिंदी मध्ये, 40 रन आणि इंग्लिश मध्ये 40। संकेत वागोस्कर सात गेंदों में 30 रन में। गिरीश दळवी साहब से पूछना चाहूंगा, अगर ये व्यक्तिगत 50 बनाते हैं तो आपकी तरफ से कितना? अब तक कोई नहीं बना। 1000, एक उंगली उठी है 1000। संकेत वागोस्कर अगर अपना पहला 50 बनाते इस लीग में, अभी तक नहीं बना ना कल से, तो 1000 का गिरीश दळवी साहब से इनाम है। महेश गिरी साहब, आप तो उपसरपंच है, आपके द्वारा कितना? उपसरपंच है पूरी 500 क्या? उपसरपंच मथुरा से आपने ट्रॉफियां लाई है, 500 नहीं बनता, कम से कम 1000 होना चाहिए। हाँ, दो दिन जाने का है। चलिए 1500 रुपए कुल मिला के। संकेत वागोस्कर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, व्यक्तिगत 50 बनाते हैं तो कुल मिला के 1500 का इनाम मिलेगा उन्हें। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, गलत फील्डिंग हो रही है वाग्रेश्वर फाइटर की। विट्ठल तेलंगे को अपने फील्डर्स को इंस्ट्रक्शन देने होंगे क्योंकि रन लुटा रहे हैं। 44 पे आता हुआ टोटल महज तीसरे ओवर में, तीसरे ओवर की अब तक दो ही गेंदे हो चुके और ये खूबसूरत चौवा लगाया बल्लेबाज सूरज ने। इस मैच में गिरीश दळवी साहब के एटीएम से ढेर सारे पैसे ट्रांसफर हो गए क्योंकि चौवा और छक्कों की भाषा बोली जा रही है पहले ही इनिंग में। ये काम बैरने की ये पिचअप लेग स्टंप थी, लेग बाय के तौर पर ये रन मिला। टीम का टोटल 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जामुलपाड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जीपीएल, जामुलपाड़ा जीपीएल में आप सभी का स्वागत। पांच गांव आते हैं और पांच गांव का ये क्रिकेट का त्योहार। गेंदबाज तैयार संकेत वागोस्कर और यह फुल टॉस किया, आ बैल मुझे मार, एक और छक्का दनदनाता हुआ, आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का, डीजे स्वराज। संकेत वागोस्कर खेल रहे अपने निजी 36 के योगदान पर। फिर से एक बार 36 और 6 बनेंगे 42। संकेत वागोस्कर स्वराज के लिए लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं लेकिन यह स्वराज के लिए मिलता हुआ एक हुकुम का इक्का, डीजे। हमारे उपसरपंच साहब ने इनाम लगाया संकेत की 50 के ऊपर, हमारे गिरीश दळवी साहब ने 1000 रुपए लगाए, लेकिन सचिन वामगुड़े क्यों खामोश है, क्यों खामोश है? फोन पे भी इनाम वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लाइव मैच जरूर देख रहे होंगे, मालिक है, चिंता है टीम की। नौ गेंदे 42 रन, क्या इनिंग खेली है संकेत वागोस्कर, मेरे फेवरेट बन चुके हैं आज के दिन के। मेरा फेवरेट बनना कोई आम बात नहीं है। 6 छक्के लगाए उन्होंने और एक फोर, 1200 और 1300 का इनाम वो हासिल कर चुके हैं। हर छक्के के लिए 200 गिरीश दळवी साहब की तरफ से और हर बाउंड्री के लिए 6 छक्के लगाए, 6 × 200 कुल मिला के 1200, एक बाउंड्री 100, 1300। हमारे दिमाग में कंप्यूटर फिट है,
कैलकुलेटर भी फिट है। 50 में तो और ज्यादा मिलेंगे। सीधे बल्ले से ये गेंद हवा में, क्या प्रयास किया था विट्ठल ने, 100% एफर्ट, इसे कहा जाता है फील्डिंग में एफर्ट क्या होना चाहिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 के निजी योगदान पर संकेत वागोस्कर, लेकिन टीम का टोटल आ चुका है 58, 58-20 की औसत से। वैग्रेश्वर फाइटर, फाइटर क्या लड़ना भूल चुके हैं डीजे। खऱ्या अर्थानं मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं ते हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, कारण त्यांच्याकडे निष्ठावान मावळे होते। आधी लगीन कोंडाळ्याचं मग माझ्या रायबाचं असं म्हणणारा तानाजी ज्यांच्याकडे होता। महाराज, जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोहोचत नाही तोपर्यंत बाजी हा खिंड लढवतच राहणार आणि स्वराचा बाजी आहे। खऱ्या अर्थानं संकेत वागोसकर दस गेंदों में 43 रन, इनकी हाफ सेंचुरी तो बनती है, बंदे को छोड़नी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 7 की दूरी है, 1500 का इनाम भी है हमारे गिरीश तड़वी साहब, एक और इनाम का बादशाह मुझे मिला है सुधागढ़ में प्रसाद देसाई के बाद। समीर पानसरे गेंदबाज लेफ्ट आर्म, ये गेंदबाजी करेंगे तो 49 पे जरूर पहुंचेंगे, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लंबा 6 डीजे स्वराज। संकेत वागोसकर, क्या ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जांबुलवाड़ा का पहला 50 मैं लकी हूं क्योंकि मेरे सामने बन सकता है। बड़ी पंचायत लीग में तो बहुत 50 हुए, लेकिन ये अलग है, ये जांबुलवाड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग सबसे अमीर ये पंचायत है पूरे सुधागढ़ में। सर्वे सब कुछ पता होता है हमें। ये लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, 50 तो इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि 2-500 की हरियाली निकलेगी दलवी साहब की जेब से और महेश गिरी साहब की जेब से निकलेगी 1-500 की नोट। लेकिन हमारे ओनर थोड़े से आउट ऑफ रेंज है, गेंद हवा में थी, लेकिन ये 4 रन मिलेंगे। 53 का निजी योगदान, जरा बल्ला उठाइए स्क्रीन पे नजर आएगा इनका बल्ला। जीपीएल जांबुलवाड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का पहला 50 स्वरा 11 के खिलाड़ी संकेत वागोसकर के नाम दर्ज, 1500 का इनाम इस 50 के लिए, टोटल 69-69। और ये देखिए, मेरे ख्याल से अभी आउट हुए तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ये 50 बनाने चाहिए और 1500 इन्हें मिलने चाहिए, ये मेरे दिमाग में था। 13 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी, यानी कि युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी। 12 गेंदों में 50, अपोजिशन से इंग्लैंड, T20 विश्व कप 2007, 7 छक्के लगाए उन्होंने, 2 चौवे लगाए, कुल मिला के 16 वो और ये 1500, कुल मिला के 31, 3100 का इनाम। जीएसटी कितनी कटने वाली है स्कोरर के लिए, 100 की काटेंगे हम, 3000 ही देंगे उनको स्कोरर के लिए, 100 की जीएसटी हम जरूर काटेंगे, स्कोरर भी मेहनत कर रहा है।
सचिन बामगुड़े साहब शादी में शरीक हुए हैं, लेकिन फोन पे भी इनाम आ सकता है। ये विकेट देखिए, गेंदबाज अब हैट्रिक के द्वार पर है, लेकिन मिल सकता है उन्हें गिरीश दलवी साहब की तरफ से 500 का इनाम विकेट हैट्रिक के लिए। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। कुल मिला के दोनों का ना, हाँ 1500। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 69-69। देखिए विकेट निकाली है गेंदबाज, हैट्रिक के द्वार पर है, 500 का इनाम मिल सकता है वैग्रेश्वर फाइटर के इस आखिरी गेंदबाज को, समीर को। हैट्रिक का मौका है, बल्लेबाज निकेतन। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन हवा काफी तेज, लेकिन ये अच्छे है क्योंकि हमने देखा बाउंड्री की जो लाइन थी वहां पे टच होता हुआ हमने देखा। ये 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 75 रन, 4 ओवर में 75। सुहरा 11 खेल रही है, गेंदबाजों के साथ खेल रही है, यह हाईएस्ट टोटल है सौरा का, लेकिन फिर भी सचिन बामगुड़े साहब खामोश है। 79 रन बनेंगे, 79 और 20 की औसत से वैग्रेश्वर फाइटर को 80 रन बनाने होंगे। ये हाईएस्ट टोटल होगा इस जामुलपाड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का। डीजे स्वराज देखेंगे। सूरज ने 14 रन बनाए, लेकिन संकेत वागोस्कर बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज, पहले मैच में भी उन्होंने 5 ही रन वाला ओवर किया था, लेकिन पहले मैच में उन्हें मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया, इसका मलाल उन्होंने इस मैच में निकाला। 53 रनों की एक शानदार पारी 13 गेंदों में, जिसमें 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे। 14 की इनिंग में 3 चौके शामिल थे सूरज के। सागर हालांकि 0 पे आउट हुए, लेकिन निकेतन आते ही शेर बन गए, एक छक्का और एक बाउंड्री। कुल मिला के 300 का इनाम उनको हासिल हुआ है गिरीश दलवी साहब की तरफ से। 10 रनों की पारी खेली, गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। पहले ओवर में विट्ठल तेलंगे जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज के खिलाफ 16 रन आए, उसके बाद जो गेंदबाज आए जिन्होंने 24 रन दिए प्रभंजन, और उसके बाद जो गेंदबाज आए ज्ञानेश्वर जिन्होंने 18 रन दिए, और आखिरी ओवर में समीर ने दिए 21। देखिए डिंग डोंग को क्या कोचिंग की है हमारे रोहन साळुंके ने। डॉक्टर मयूर कालभोर ठाणे से आए हुए हमारे दोस्त, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। आइए मयूर जी, आपका स्वागत है इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में हमारे उपसरपंच साहब महेश गिरी की तरफ से। इस ग्राम पंचायत लीग को बेहतरीन बनाया ना तो जरूर ऑर्गेनाइजर ने बनाया, लेकिन 4 चांद अगर किसी ने लगाए ना तो वो है गिरीश दलवी। चेतन दुधाने डीसी हमारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। मिथुन लांगी एक और हमारे अजीज दोस्त, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन गिरीश दलवी साहब ने इस जामुलपाड़ा ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को 4 चांद लगाए हैं। मी सन्माननीय उपसरपंच महेश गिरी साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आपले शुभ हस्ते
मयूर जी गालबोर यांचं स्वागत करायचंय. पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं था, वरना मिथुन लांगी ने क्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी जब मैं आया था मंगेश चव्हाण की मैच में. चेतन दुधाने कहां पे है? आइए आप भी मंच के ऊपर. डीसी छक्कों का बादशाह और शहनशाह, सीपीएल में वो कौन सी टीम से खेलने वाले हैं? विधि इलेवन. लेकिन रितेश कालभोर जैसे खिलाड़ी सीपीएल में खेलना जरूरी है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है. और क्रिकेट में राजनीति नहीं आनी चाहिए. मैं बार बार सुधागढ़ में कह रहा हूँ, क्रिकेट में राजनीति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो टैलेंटेड है उसे खेलने का मौका दीजिए. गेंदबाज संकेत वागोस्कर, पहले मैच में जिन्होंने 5 रन वाला ओवर किया. राइट आर्म ओवर द विकेट. ये क्या किया? मैंने तारीफ क्या की, ये चने पे झाड़ पे चढ़ गए. ये नो बॉल प्लस 4, 5 रन. निवडणूक लढवली जो रात्री आपला असतो तो दिवसा असेलच असं नाही. और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ये फ्रीट है, फ्रीट फ्रीट. मुझे सब कुछ पता होता है. मिथुन लांगी ने भी अपने माँ का चुनाव लड़ा है, उन्हें भी पता है. कई लोगों ने उनसे वादा किया था शाम के 7 बजे के बाद, लेकिन सुबह के 10 बजे बाद वो उनके साथ नहीं थे लोग. तो ऐसा होता है. डीसी का गॉगल आज काफी बढ़िया है, चेतन दुधाने का. तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच के ऊपर. डीसी आइए आप इस मंच के ऊपर. शाम के 7 बजे के बाद वो काफी एग्रेसिव मूड में नजर आते हैं, लेकिन ये मूड उन्हें बदलना होगा, क्योंकि कई कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने शख्सियत को बताते नहीं, जब करते हैं तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है. इसीलिए जरा सोच समझ के. टीम का टोटल 7 रन और पीछा करना है 79 रनों का, 20 की औसत. और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना. संकेत वागोस्कर को मिलता हुआ ये विकेट. आउट होने वाले खिलाड़ी है प्रभंजन. प्रीमियर लीग खऱ्या अर्थाने ओळखली जाईल ती पारितोषिकांची उधळण करणारी स्पर्धा. खेळाडूंसाठी खिसे रिकामे करणारी फ्रँचायझी, खेळाडूंसाठी खिसे रिकामे करणारे मान्यवर. खरं तर ही स्पर्धा या नावानं ओळखली जाईल. आणि गिरीश नावाचं एक नवीन वादळ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलंय. सन्माननीय मनीजी गायकवाड साहेब यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. तो ये अच्छी गेंद की थी संकेत वागोस्कर ने, आउटसाइड ऑफ स्टंप. मिथुन लांगी एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, प्रसाद देसाई के बाद मुझे सुधागढ़ में एक इनाम के बादशाह की तलाश थी. उस तलाश को पूरा किया गिरीश दलवी साहब ने. हर बाउंड्री के लिए पूरी लीग में 100 का इनाम, हर छक्के के लिए 200 का इनाम और विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम. बंडल लेके आए हैं वो. ये दूसरी लगातार डॉट गेंद खेलना हानिकारक है इस मैच में वागरेश्वर फाइटर को, क्योंकि 79 रन बनाने हैं. एक एक डॉट गेंद आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाएगी. 80 बनाने का है क्या?
80 टू विन, 79 बने थे और 80 20 की औसत। देखिए एक ओवर में आपकी औसत कम गिरी, अगले ओवर में रिक्वायर्ड 100 बढ़ेगी, 20 की 22 हो जाएगी। स्वरा के 12th मैन काफी खुश है, पिछले मैच में भी वही थे। नील खंडागड़े, लेकिन यह बाउंड्री नहीं, इस गेंद को फील्ड किया गया, एक रन जरूर मिलेगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन स्वराज डीजे हमारी मांग उन्होंने पूरी की, मॉनिटर शुक्रिया स्वराज। स्वराज डीजे ने कई डीजे को गायब किया, आर्या डीजे का तो नाम ही नहीं आ रहा है, रिया डीजे, थोड़ा थोड़ा एक ही नाम मैच में मैं जब भी आता हूं अब सुधागढ़ में, स्वराज डीजे क्वालिटी। और यह लंबा 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 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, फ्रस्ट्रेशन को उतारा विठल तेलंगे ने, संकेत वागोस्कर अगर आपने हमें मारा तो हम क्यों नहीं मार सकते डीजे। जी गायकवाड़ साहेब यांचं स्वागत, मी अशी जी शेळके रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मॅनेजर यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते गायकवाड साहेबांचं स्वागत करावं। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या, 14-6 धावांनी मागे आहे खरं तर ऍव्हरेज नुसार। यूट्यूब सुपर टेनिस चला जरा समालोचन कक्षाकडे घुमवा, कॅमेरा कॅमेरामन दिसेल, तुमच्या क्वालिटीवर तुमचा विश्वास हवा, कॉन्फिडन्स हवा। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक वाक्य सांगितलंय, तुमच्याकडे आत्मबल असणं गरजेचं आहे, सेल्फ कॉन्फिडन्स। जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही टिकाल जर तुमच्याकडे सेल्फ कॉन्फिडन्स असेल तर। बोलोस नाही वैग्रेश्वर वाइडर, 12th मैन किधर है, बोलो उसने प्लीज। राम राम वारे, पहली गेंद डॉट आ चुकी है, 14 पे टोटल अटका हुआ है, और ये क्या मिलेंगे, 6 या 4, और ये मिलेंगे 4 ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन मिला, काबिले तारीफ फील्डिंग हो रही है। सचिन बामगुड़े जिस टीम के फ्रेंचाइजी है, तारीफ करना चाहूंगा मैं स्वरा 11 की, जीतने के चांसेस हैं इनके पास इस लीग के। सन्माननीय चेतन दुधाणे साहेब यांचं स्वागत, मी आशीष शेळके यांना विनंती करतोय, आणि मिथुन लांगी खरं तर एक अष्टपैलू खेळाडू, या दोघांचं स्वागत आशीष शेळके यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते करावं। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 6 रन विठल तेलंगे द्वारा लगाया गया ये बेहतरीन 6। तेलंगे बैक टू द पवेलियन, बचा डीजे स्वरा।
नहीं बल्लेबाज, चलिए फोन कीजिए ट्वेल्थ मैन, अगर आपको पता नहीं तो कल पे सड़ूंगे। तो नहीं बल्लेबाज कल पे सड़ूंगे आ चुके, लेकिन संकेत वागोस्कर जैसा हीरा मिला है स्वरा को। 53 रनों की शानदार पारी, पहले मैच में 5 रन वाला ओवर, इस मैच में भले ही 14 रन दिए हो लेकिन रन बहुत ज्यादा है। फुल टॉस गेंद, फायदा उठाना चाहिए था लेकिन महज मिलेगा सिंगल। गेंदबाज बाल बाल बचे राम, 22 पे आता हुआ टोटल। हमारे अधिकारी साहब हमें बता रहे हैं, विनोद अधिकारी, एसपीएल में शायद हमें आर्या डीजे का मजा लेने का मौका मिल सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ 23 पे आता हुआ टोटल। लेकिन स्वराज डीजे सुधागढ़ में अव्वल अब नंबर साबित हो रहा है। स्वराज डीजे क्या खूबसूरत आवाज, माइक्रोफोन की, गाने बजाने की कला, सब कुछ है इनके पास। डीजे या तो चिचड़ी, ये तो या उड़ी, ये तो या अस्सी में से अगर 23 रन माइनस किए जाए तो 60 में 20 और 60 में 3 यानी कि 57 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में 57। युवराज सिंह बनना होगा किसी एक को, 6 छक्के लगाने होंगे 2007 T20 विश्व कप की तरह, तब जाके ये रन पूरे होंगे। लेकिन 12 गेंदों में 54 रन टेनिस बॉल क्रिकेट में पूरे किए थे एक बंदे ने, महाबलेश्वर में पंकज यादव, रायगढ़ का सपूत, 9 छक्के लगाए थे उन्होंने 12 गेंदों में जब 54 की जरूरत थी उनकी टीम को। तो टेनिस बॉल में भी कई रिकॉर्ड है। अगला मैच उसके लिए टॉस होना जरूरी है। डिंग डोंग डोंगरी जिसके कोच है डॉक्टर रोहन साळुंखे और कप्तान है विशाल गुरव और अनुराज एंटरप्राइजेस। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। गेंद हवा में और यह बहुत ही बढ़िया छे, इसी तरह छक्कों की जरूरत है। आज के हमारे फ्रेंचाइजी रितेश इनामदार नजर नहीं आ रहे हैं। अनुराज एंटरप्राइजेस और डिंग डोंग, और ये देखिए बल्ला टूटा छक्के के वजन के साथ, एक रन जरूर मिला। चलिए नया बल्ला लेकर जाइए खेमे से। हाँ बल्ला टूटा घबराइए मत, हमारे तुषार धुमाड़ की श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली मौजूद है जो इस बल्ले को ठीक कर सकती है। क्यों तुषार? और अगर नए बल्ले से अगर ये बल्लेबाज 6 लगाता है तो उन्हें गेम चेंजर का कैप मिलेगा श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली की तरफ से, जिसके फ्रेंचाइजी है तुषार धुमाड़। साहिल वागोस्कर के लिए 500 का इनाम आ चुका है गिरीश दलवी इनकी तरफ से। हाँ रोशन वालगुड़ी की तरफ से वो जो गेम चेंजर का कैब है नए बल्ले के साथ अगर लगाते हैं तो। अनुराज एंटरप्राइजेस के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्या गेंदबाजी हो रही है खराब, ये नो बॉल का इशारा, नो प्लस वन, 2 रनों का इजाफा। अगली गेंद होगी फ्री हिट और नया बल्ला
चलिए गेम चेंजर का कैप मिलेगा क्या छक्का आने पर? चेतन दुधाणे 7 बजे के बाद काफी एग्रेसिव मूड में नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा अपने मूड को संभाल के रखिए चाचा की तरह। ये नए बल्ले से एक ही रन जरूर मिलेगा, फ्रीट की यह गेंद थी, एक रन जरूर मिला और इसी एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 33। बल्ला मिल सकता था चेतन दुधाणे को ना। हाँ, श्री गणेश स्पोर्ट्स की तरफ से और हमारे रोशन वालगुड़े साई भक्त इनकी तरफ से बल्ला मिल सकता है, लेकिन इस टूर्नामेंट को अगर किसी ने बेहतरीन बनाया ना वो बंदा है गिरीश दलवी, तारीफ है काबिल। इतनी इनामों की बौछार उन्होंने की है ना कि तोड़ नहीं है। ये बंदा मुझे पहली बार क्रिकेट में नजर आया, मैंने कई साल सुधागढ़ में बिताए, पहली बार मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इसका नाम मैं अब कई सालों से भूलूंगा नहीं, कई सालों तक। और ये क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड, ये मैच आसान है टीम फील्डिंग करने वाली स्वरा के लिए। सचिन मामगुड़े चलिए टॉस के लिए, अनुराज और डिंग डोंग डोंगरी चलिए। धनंजय काकडे साहब यांच्या शुभासते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। खरं तर मगाशी त्यांचे भाले वरचे फ्लॉप ठरले डिंग डोंगचे, पण या वेळेला मात्र तयारीत आहे ना गुराव। मुकेश के लिए हर छक्के के लिए 1000 का इनाम गिरीश दलवी साहब की तरफ से। ये बंडल कितना बड़ा होगा मुझे भी पता नहीं, मैं भी सोच नहीं सकता जेब में। ये तैयारी हो रही है ग्राम पंचायत चुनाव की, टीम का टोटल 36, अब जरूरत है 44 रनों की आने वाली 6 गेंदों पर, 80 का पीछा करना है। अनुराज इंटरबाजन ने टॉस जीता है, क्या फैसला किया इशारा कीजिए महेश जी गेंदबाजी। छह गेंदे 44 रन, मेरे लिए तो ये बोरिंग मैच है, खाना खाने का वक्त भी हो चुका है, कई होटल मौजूद है यहाँ पर, सरपंच उप सरपंच साहब का भी होटल मौजूद है, लेकिन उनकी डिश की वैरायटी क्या है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन आशीष शेड़के के होटल की एक डिश मुझे काफी पसंद आती है, उनके माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना हमेशा मैंने पसंद किया है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 37। मैच अब बोरिंग हो चुका है हमारे अधिकारी के लिए भी, उंगलियां उन्होंने जरूर स्कोर बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं वो उंगलियों के साथ कलम को लेके, लेकिन बोर हो चुके हैं। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, 25 बाइक की टूर्नामेंट आने वाली है आरएमएस के मुरबी 11 की तरफ से। 23 तारीख को आप वहां पर मुझे सुनेंगे। नहीं भाई, रायगढ़ में मैं बहुत खुश हूं। एक रन जरूर मिलेगा, हमारे सुपर टेनिस क्रिकेट कह रहे हैं कि आपका भिवंडी में भी फैन फॉलोअर है। फैन फॉलोअर तो हर जगह रहता है, क्योंकि यूट्यूब का माध्यम ही ऐसा है, जब लोगों को आप सुनाते हैं, ये आपकी दुआ है मेरे ख्याल से।
क्योंकि यूट्यूब अगर ना होता तो भिवंडी के लोग हमें कहाँ सुनते रायगढ़ में बोलने के बाद। स्वराचा 12th मैन बघा खुशीने गाजर खातो आहे, कारण त्याला माहिती आहे आता सामना जिंकायला आलाय। सचिन बामगुडेने खर तर पारितोषिक द्यायला हवं, फोनवरून फोन करून सांगा त्यांना की त्यांच्या खेळाडूंनी हाफ सेंचुरी मारले आणि दुघाडे कॉमेंटेटर आहे, त्याची इच्छा आहे की त्याने काहीतरी द्यावं वागोसकरला। चला फोन करा तुम्ही, तुमच्याकडे नंबर असेल तर। स्पीड अप करा जरा, दोन मॅच जिंकले म्हणजे जवळजवळ क्वालिफायच्या दिशेने वाटचाल जवळजवळ, आणि जर तिसरी मॅच जिंकली तर कन्फर्म ना, आणि चौथी जिंकली तर त्याच्याही पेक्षा, म्हणजे 1001%। विठ्ठल तेलंगे सेना काय करते तुमची, सेना मात्र सपशेल पराभूत झाली आहे, वाघरेश्वर फायटर। चला षटकार चौकार किती आहेत गिरीश दळवीने सांगा, आणि डिंगडोंग डोंगरी आणि त्याच्या अनुराज एंटरप्राइजेस अनुराज